हेलो एवरीवन, आई एम रविजैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 5 देखेंगे और इस लेक्चर में हम आगे नेटवर्क डायग्राम के बारे में और समझेंगे कि नेटवर्क डायग्राम के क्या क्या रूल होते हैं ताकि हम लोग नेटवर्क डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना सीख सकें। तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम का जो फर्स्ट रूल है, जो अंडरस्टैंडिंग है, कि कोई भी नेटवर्क डायग्राम में कोई भी एक्टिविटी एक यूनिक सिचुएशन को, एक यूनिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी। विच मींस, फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एक्टिविटी ए है, उसका स्टार्टिंग इवेंट जो है जो या टेल इवेंट बोलेंगे जो है आई है, और जे है जो हेड इवेंट है जे। तो उस नेटवर्क डायग्राम में कोई भी दूसरी एक्टिविटी बी है वो ऐसी नहीं हो सकती जिसका है जिसके जिसके स्टार्टिंग और एंड इवेंट सेम हो। तो ये जो है ये नहीं हो सकता है। तो ये नेटवर्क डायग्राम का एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया और यहाँ पर एक एक्टिविटी है, तो डेड हमने आगे छोड़ दिया। तो ये एक्टिविटी जो है ए और बी ऐसे बन रहा है, तो आपका ये नेटवर्क डायग्राम क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि ए और बी जो दोनों एक्टिविटीज है उनका जो स्टार्टिंग है और एंड है वो सेम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आई और जे है, और आई और के है, ये ओके है। एक्टिविटी ए आई जे पर एक्टिविटी बी के जे है, तो ये भी ओके है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट क्यों करना है, ये तो समझ में आ गया। नहीं तो फिर तो एक ही होगी ना, वो एक्टिविटी सेम है तो वो तो हो नहीं सकती। इसके बाद जो नेटवर्क डायग्राम में डमी एक्टिविटी जो हमने देखा था वो, तो उसको एक बार हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कोई भी अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसमें वो डमी एक्टिविटी, डमी का मतलब जो है नहीं, हमने अपने मन से लगाई। क्यों? ताकि हमें नेटवर्क डायग्राम का लॉजिक बना रहना है, यूनिकनेस बनाना है। तो जो है नहीं वो मतलब उसको डमी एक्टिविटी है, इसका मतलब आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस हुई है। किसके लिए? ताकि हमारा लॉजिक बना रहे और यूनिकनेस बनी रहे। तो जो डमी एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी? 0 होगी। डी हमने यहाँ ड्यूरेशन से इंडिकेट किया है, उसमें खर्चा भी नहीं होगा, कॉस्ट भी 0 होगी, टाइम भी 0 होगा, रिसोर्सेज भी 0 होगा। अगर रिसोर्स बोलेंगे तो, क्योंकि रिसोर्स है तो मतलब वही कॉस्ट हो गई, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है तो ये भी 0 होंगे। इसमें जो दूसरी बात है कि आप बताइए कि इसमें ये एओन डायग्राम में तो नहीं होती? हमने पीछे देखा ही था जब एओन एओ बना रहे थे, एओन में नहीं होती। एओ में जब एक्टिविटी एरो पे चलती है उस टाइम एक डमी एक्टिविटी बनानी पड़ती है, ताकि हमारा क्या रहे, लॉजिक। नेटवर्क डायग्राम का जो लॉजिक है, लॉजिक का मतलब कौन सी एक्टिविटी पहले आएगी, कौन सी यूनिकनेस बनी रहे, उसके लिए हमें क्या लानी पड़ती है। तो एओ में होती है, एओन डायग्राम में नहीं होती है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से। बाकी को क्या, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ये जो है, और डमी एक्टिविटी को अपन डॉटेड लाइन से। और आप इसमें चाहो तो जितनी एक्टिविटी है उसके हिसाब से D1 डमी एक्टिविटी 1 ऐसे जो भी जितनी भी हो उसको 1 और इक्वल टू 0 करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरल। तो उससे ये मतलब है कि ये डमी एक्टिविटी है विच हैज द ड्यूरेशन ऑफ 0। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आया है, वह है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर एक्टिविटी इवेंट जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ये नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है, ये एक नेटवर्क डायग्राम है, सर्टेन नेटवर्क डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें प्रेडिसर एक्टिविटीज, मान लो प्रेडिसर एक्टिविटी पता लगानी है, तो हमारे पास जो एच एक्टिविटी है उसके पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है? इससे पहले हो रही है जी। तो ठीक है, अभी हमने एच के लिए लिख दिया, के लिए लिखते हैं। ये के हमारे पास आया, के पहले क्या हो रहा है, जे, ये सॉरी आई है, आई के पहले आई, के और जी और के। अभी हमने देखा ना कि पीछे कैसे जाते हैं, ऐसे जाना है पीछे, जा सकते हैं ना पीछे यहाँ, तो क्योंकि पीछे ये एरो आ रहा है, पीछे ये एरो आ रहा है, तो के पहले एच बी है पिछले वाले। अगर हमने आप अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो पिछले वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिए कि हमने क्या कंसेप्ट बताया है, कि के पहले एच है। अभी हम जे के पहले लेते हैं, फिर जे की प्रेडिसर एक्टिविटी। ठीक है, तो एरो के पीछे ट्रेवल करना है, ट्रेवल करना है, ट्रेवल करना है,
एरो ऐसा आ रहा है, तो हो जा सकते हो, जा सकते हो, तो के देखिए पहले एच और जी। ठीक है, एच और जी। दूसरा के के पहले, पर यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते, जे के पहले आप आई नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एरो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा पाथ नहीं है ना, मतलब सीधा जाने वाला पाथ नहीं है, ये तो पाथ कट गया, तो ये मतलब जे के पहले एच और जी है, और एच के पहले जे के पहले आई नहीं है, जे के पहले आई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया प्रेडिसर एक्टिविटी। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है इमीडिएट प्रेडेसर एक्टिविटी। तो अब जैसे मान लो एच के लिए जो सबसे जस्ट पहले है, जस्ट पहले, एच के पहले क्या है, जस्ट पहले जी, एच के जस्ट पहले तो जी है, तो ठीक है। के के जस्ट पहले, मतलब एक ही स्टेप पीछे जाना है, वो वन स्टेप बैक जाना है, तो के पहले आई हो गया, दो भी हो सकती है ना, तो और के जस्ट पहले एच भी है, के जस्ट पहले क्या है, एच भी है, पर के प्रेडेसर एक्टिविटी में जी नहीं आएगा, समझ में आया, ऐसे जे है हमारे पास, जे है, जे के प्रेडेसर एक्टिविटी क्या है, जे के पहले क्या है, हमारे पास एच है, जे देखो जे 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 के पहले एच है, तो एच पर जी नहीं है, तो ये हो गया इमीडिएट प्रेडेसर एक्टिविटी, आईपीए भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं, मतलब इसके इससे एक चीज हम और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो सिंपल आपको दिख रहा होगा कि भी कोई भी एक्टिविटी प्रेडेसर दो भी हो सकती है, मतलब वो इमीडिएट प्रेडेसर दो भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही होगी, ये वैसे एग्जाम में वैसे इस टाइप से कंक्लूजन्स वगैरह के बारे में तो नहीं आएगा, बट अंडरस्टैंडिंग हमारी रहनी चाहिए, जब हम कोई चीज़ को समझ रहे हैं तो अच्छे से समझे ना, ये तो सारा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ मतलब आपको ध्यान भी नहीं रखना, एग्जाम में जैसे गेट वगैरह में सिंपल क्वेश्चन आएंगे आप सारे कर पाएंगे, बस आपके कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। अब सक्सेसर एक्टिविटी अब निकालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जी, तो जी के सक्सेसर एक्टिविटी क्या है, एच और आई, जे के एल, एच आई जे के एल, पर जी की इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी, जी के इमीडिएटली जे ओ एच और आई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं आई, आई के सक्सेसर एक्टिविटी निकालनी है, तो आई की सक्सेसर एक्टिविटी क्या है, के, आई के बाद ये एरो जा रहा है इधर, के और एल, ये तो नहीं है ना सक्सेसर एक्टिविटी, ये तो नहीं है, आई की सक्सेसर एक्टिविटी क्या होगी, के एंड एल, पर आई की जो इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी वो क्या होगी, के, क्लियर है। ऐसे एच की लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एच का ये पाथ गया, ये पाथ गया, सक्सेसर एक्टिविटी होगी के एल, जे के एल, और ये भी जा सकते हैं, तो दो पाथ से जा सकते हैं, जे के एल, और एच की जो इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी, तो इमीडिएट ये वाला तो है ही नहीं कुछ एक्टिविटी, ये तो जस्ट, तो एक तो के और जे दोनों होगी, मतलब ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि के और जे दोनों इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये आगे आपके काम में आए। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे हम 10-12 एग्जाम्पल लेंगे, और 10-12 नहीं लेंगे तो 5-6 एग्जाम्पल तो लेंगे, ताकि आपको मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो और डेवलप हो। तो सपोज करो कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, ए वन और ए ओ ए डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो ये दोनों नेटवर्क टाइप के डायग्राम हो गए, नेटवर्क डायग्राम को कैसे बनाना है उसके टाइप है, ए वन और ए ओ ए, ऐसा हो गया, तो ए वन जो है उसमें दिया हुआ कि एक्टिविटी ए है उसकी इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी कोई नहीं है, बी है उसकी इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी ए है, सी की भी ए है, डी की भी है, ई की बी और सी है, तो ए ऑन डायग्राम आप हमेशा बहुत इजीली बना देंगे, कि जैसे ए है, ए के बाद में बी बना दो, सी बना दो, और सी के पहले ए है तो सी के पहले बना दिया, और डी है, डी के पहले बी बना दिया, और ई के बाद बी और सी को बना दिया, ये जो ए ऑन डायग्राम आपका बन गया, पर ये जो एवन डायग्राम हमने पहले से ही यहाँ ड्रॉ कर दिया है वो जस्ट फॉर, क्योंकि ये सिंपल था, अदरवाइज हम आगे से हम खुद ही ड्रॉ करेंगे लाइव, ताकि हम लोग क्या है कि उसको अंडरस्टैंडिंग करें कि भाई कैसे हम लोग माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा है जब हम उसको बना रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है।
अब पर इसमें जो ये नेटवर्क डायग्राम है ये अभी भी रॉन्ग है। मैं जो आपको क्या कि ये नेटवर्क डायग्राम के रूल्स जो बता रहा हूँ ना, इसमें इसमें क्या कि डायग्राम में जो डायग्राम बनाते बनाते आपको रूल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक तो बता नेटवर्क। इसमें क्या है कि इसमें एक एरर है, उसको बोलते हैं डेंगलिंग एरर। वो एरर क्या है, डेंगलिंग एरर है, वो ये है कि कोई भी नेटवर्क डायग्राम का एक एक नोड होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। इस नेटवर्क डायग्राम का स्टार्टिंग नोड तो ए है, हम बोल सकते हैं। नोड का मतलब वो चाहे इवेंट हो या एक्टिविटी हो। मतलब ए वन में तो क्या होगा कि मतलब एक्टिविटी नोड पे होगी, ए ओ में इवेंट होगा, पर एक ही इवेंट से स्टार्ट होना चाहिए और एक ही इवेंट से बंद होना चाहिए। मतलब ऐसा रियल में जरूरी नहीं है कि रियल में उसके दो एक्टिविटी एक साथ चालू हो जाए, मतलब दो एक्टिविटी या दो इवेंट एक साथ चालू हो जाए, एक सेम टाइम पे हम कर रहे हो। पर जैसे डी और ई दोनों एक साथ खत्म होंगे तभी तो नेटवर्क डायग्राम खत्म होगा, या जो पहले खत्म होगा मतलब जो बाद में खत्म होगा उस टाइम जाके पूरी सब कुछ घटनाएं खत्म हो जाएगी। अगर सही हो साथ में हो रहा है तब तो ठीक है, पर जरूरी नहीं ना एग्जैक्टली साथ में खत्म हो। तो एक हमें क्या करना पड़ेगा इस डायग्राम में, एक जो है एक नोड हमें और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या है नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट होगा, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये ऐसे नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हो, पर ये नेटवर्क डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपका कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम ये है। अब हम लोग इसका एओए ड्रॉ करते हैं। एओन बना ही है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए हमारी एक्टिविटी ए हो गई, क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, ए के बाद बी है तो इसके बाद बी बना दो। ठीक है, इसके बाद सी बना दो, ए के बाद सी डी है, सिंपल है। और थोड़ा सा आप, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एओन डायग्राम है वो पहले ड्रॉ कर ले, चाहे एओ बनाना है तभी तो आपको बहुत इजी आइडिया लग जाएगा। और बी और सी के बाद क्या है, बी और सी के बाद ई है। तो अब उसको जो है आपको मान लो बी के बाद आप डी है वो भी पता है, तो बी के बाद डी बना दो, और बी और सी के बाद ई है तो सी यहाँ बना दो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि डी तो बन ही चुकी और ये हमारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है कि बस ऐसे बनाएंगे। और अब हम लोगों को क्या करना है कि डी और ई, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है नहीं कि भाई ई का सी से तो लिंक आ गया, बी से नहीं आया, तो क्या बनाना पड़ेगा, एक डमी एक्टिवेटर बनाना पड़ेगा, उसका नाम क्या दे दिया, D10। ठीक है, ये हो गया और ये नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी फिर वही एरर है कि लास्ट में मतलब वो डेंगलिंग एरर है। तो इसका मान लो कहीं अपन सॉल्यूशन ये निकाले कि यार ये तो इसको ऐसा कर देते हैं, और यहाँ पर डमी एक्टिविटी की जो कॉस्ट तो कुछ है लगती नहीं है, ऐसे करके ये D2, दूसरी डमी एक्टिविटी और ये D3, ये तीसरी डमी एक्टिविटी बना दी अपन ने, ऐसे बना दिया इसको D2 D3 ऐसे डमी एक्टिविटी बना दी। अब इस नेटवर्क डायग्राम में क्या इशू है, इस नेटवर्क डायग्राम में डेंगलिंग एरर तो हटा दी, पर अपने क्या कर दी, डमी एक्टिविटीज, अननेसेसरी डमी एक्टिविटीज है। तो नेटवर्क डायग्राम का ये रूल भी है कि डमी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। जो डमी एक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए इस नेटवर्क डायग्राम को हमें कैसे मॉडिफाई करना है, सिंपल है, ये भी एक नेटवर्क डायग्राम का रूल है। और ये क्यों है, मतलब हमारा जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये क्यों है। इससे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगी डायग्राम, जैसे मान लो कि फिजिकली आप बढ़ा रहे हो तो कन्फ्यूजन से क्रिएट नहीं हो रहा ये सब बनने से, है ना। तो इसको सोल्यूशन तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा जब आप बना रहे होंगे। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग आगे प्रैक्टिस करें तो आप हाथों हाथ पहले इसको बंद कर दो और अपने दिमाग में आप लोग भी अपने जो नोटबुक है उसमें वो बना दे। और इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से ये कर देते हैं और ये, है ना। तो ये हमारा सही नेटवर्क डायग्राम बन गया, है ना। तो ये हमारा सही नेटवर्क डायग्राम बन गया और ये डमी एक्टिविटी। अब इसमें जो एक चीज है, अभी आप लोग देख, कई लोग सोच रहे होंगे यार डी और ई दोनों के अंदर जो नोड है वो सेम है। अरे नहीं, स्टार्टिंग नोड इसका ये है और स्टार्टिंग नोड इसका ये है, और बी और सी दोनों का स्टार्टिंग नोड है सेम है, बट एंड नोड अलग है। दूसरा चीज जो आपको ध्यान देना है कि ई से पहले क्या आ रहा है, सी और बी आ रहा है,
ऐसे जा सकते हैं, पर डी के पहले बी ही आना है, डी के पहले सी नहीं आना है, तो वापस तो नहीं आ सकते ना, हमने देखा ही था। तो डी के पहले केवल बी आएगा, डी के पहले सी नहीं आएगा। और तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद जो हमने गोल्डन रूल पढ़ा था कि हमेशा एक बार, चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस कर लिया हो, चाहे कितना भी कुछ कर ले, एक बार नेटवर्क डायग्राम को रीचेक जरूर कर ले। तो उससे क्या होगा कि आपके जो रूल्स हैं वो तो आपको पता लग ही रहा है कि ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिक नोड, एक स्टार्टिंग नोड होना चाहिए, एक एंड नोड होना चाहिए, जो डमी है वो मिनिमम होनी चाहिए, यूनिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लॉजिक मेंटेन रखना चाहिए। अब आपको समझ में आएगा सारे नेटवर्क डायग्राम के, हमने रूल्स पढ़ लिए एग्जाम्पल के थ्रू भी, और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया। आई होप आपको यह सब समझ में आया हो। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।